vikramjeet.com. Thank you. So tell us, how excited are you to be back on TV show, TV screen? See, with Zee TV, the first show I did last, the last show I did with Zee TV, it was Shobha Somnath Ki, almost 2 years back. The character I played, Mahmood Ghaznavi. And after 2 years, I'm coming again with Maharakshak Aryan, which is going to be on air soon on Zee TV. I guess every Saturday and Sunday, 7 p.m. on Zee TV. So, I would like to tell कि ये जो हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी के शो देखते हैं ये उनसे थोड़ा अलग है. आई नो ये सब कहते हैं कि हमारी चीज़ अलग है, बट इसमें जो कंप्यूटर ग्राफिक्स हैं बहुत अलग लेवल के हैं. जो करेक्टर स्केच बनाए गए हैं बहुत अलग हैं, बहुत अच्छे लुक डिज़ाइन किए गए हैं, बहुत ही अच्छी कहानी है, बहुत ही अच्छा स्क्रीन प्ले है. तो ये वाकई में अलग है. You're talking that Thor? Yeah, Thor. No. It's not at all inspired by Loki. It's totally different, created by our writers and Zee TV. I will tell you something about the character. Triloki, jo character hai, ye, as you have seen the AV, the show is the whole show RN is all about the money, जिसमें बहुत सारी शक्तियाँ हैं, बहुत सारी powers हैं. वो पहले त्रिलोकी के पास ही थी, लेकिन किसी कारण त्रिलोकी उसको, त्रिलोकी पे वो नेगेटिव शक्तियाँ हावी हो रही थी और वो अपने पास उसको कंट्रोल में नहीं रख पाया, जो कि उससे छीन ली गई मणि और उसको ज़मीन में तकरीबन ज़मीन की 7 परतों के अंदर कैद करके रख दिया गया. अब जब तक त्रिलोकी के पास मणि नहीं आती, वो ज़मीन में जहाँ पे कैद है वो वहाँ से बाहर नहीं निकल सकता. तो उसको किसी भी तरह कुछ भी करके वो मणि हासिल करनी है, ताकि वो वापस जिस पोजीशन में था उस पोजीशन में आ सके और पूरी दुनिया को रूल कर सके. दिस इज त्रिलोकी ऑल अबाउट. या he's the main bad guy of the series. This is a trilogy. What we start with, we're starting with Aryan. It's going to be 3 series. Sorry, Maharakshak ki 3 series hain, jisme Aryan pehli hai. To mera jo kirdar hai wo Aryan ke liye abhi tak to hai, lekin baad mein agar kahani mein kuch aata hai to we can say कि हो सकता है आगे वाली जो कहानी है उसमें भी आए. लेकिन इसमें आर्यन की पूरी कहानी में जो हमारे 26 एपिसोड में है, उसमें थ्रू आउट त्रिलोकी का ही मेन किरदार है, क्योंकि त्रिलोकी ही है मेन जिसको आर्यन से या उसके परिवार से वो मणि को वापस लेना है, जिसके बारे में पूरी कहानी है ये. या लुक, ये पहली बार मैं सुपर हीरो पे शो बन रहा है, जहाँ मैं एज एन एक्टर ऐसा काम कर रहा हूँ पहली बार. तो आई मस्ट से कि लुक इसका बहुत अलग है. जो हमारी स्टाइलिस्ट है निधि, उसने बहुत अच्छा लुक डिज़ाइन किया है, मुझे बहुत पसंद आया. हालांकि शूटिंग के दौरान थोड़ी दिक्कतें आती हैं ऐसे कॉस्ट्यूम को झेलने में, बट जब काम ख़त्म करने के बाद उसको हम देखते हैं, जो आउटपुट आती है उसको हम देखते हैं एडिट होने के बाद, फाइनल जो हमारे सामने आती है, तो फिर कहीं ना कहीं सेटिस्फैक्शन भी होता है, कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है कि हाँ लुक जो है बहुत अच्छा लग रहा है. या आई थिंक I haven't decided yet, but अगर कुछ अच्छा, because मैंने अब तक जितना भी काम किया है, मैंने कोशिश की है कि मैं एक काम के बाद जो दूसरा कर रहा हूँ कुछ अलग करूँ. तो अगर मुझे कुछ बहुत इंटरेस्टिंग ऑफर होता है तो आई माइट गो फॉर इट, बट आई हैवन्ट डिसाइडेड येट कि मुझे ऐसा कुछ करना है. तो अगर आगे चल के कुछ अच्छा ऑफर होता है तो डेफिनेटली आई विल गो फॉर इट. सी, मैं हर तरह के किरदार करना चाहता हूँ. ऐसा नहीं है कि मैं हाइट ऐसी है, फिजिक ऐसी है, तो मैं सिर्फ
ताकतवर के ही रोल प्ले करना चाहता हूँ, मुझे कॉमेडी भी करनी है. इनफैक्ट मैं एक तेलुगु फिल्म में रिसेंटली अभी एक रोल कर रहा हूँ जिसमें इट्स फुल ऑन एंड ऑन कॉमेडी. मुझे कहीं ना कहीं एक डरा हुआ इंसान भी प्ले करना है. मुझे हर तरह के किरदार करने हैं, लेकिन जो जो मुझे पसंद है ब्रैड पिट ने ट्रॉय में किया था, तो कहीं ना कहीं वो इस तरह के किरदार जो हैं वो मुझे बहुत मेरे दिल के करीब हैं. तो ऐसा रोल करना वॉरियर का मुझे कहीं ना कहीं बहुत अच्छा लगता है. लेकिन मुझे हर तरह के किरदार निभाने हैं, अभी तो शुरुआत हुई है. So, what kind of shows do you like to watch? And currently, which is your favorite show? The last show I have seen on TV, it was Zindagi Gulzar hai on Zee Zindagi. That was very very different, very real show, very very light music, background music and all. It was very realistic, the screenplay, the story, the actors, everything was very very different, the kind of TV shows we make in India. So I think that kind of show, like anything like that kind of which should be real, less of drama, more real. So, in real life, who's your favorite superhero? Thor. Chris Hemsworth. And lastly, if you're given any power, you know, in real life, mm-hmm. what kind of power would you want? And how will you, use that power to save someone? I would like to say, जो बहुत समय से मेरे मन में है, मैं हमारा जैसे बॉम्बे शहर है या पूरा हिंदुस्तान है या पूरी दुनिया है, मैं कहीं ना कहीं चाहता हूँ कि पूरी चीज़ें जो पूरा शहर है इतना साफ़ सुथरा हो जाए, उसकी सड़कें, उसका तरीका जो है, बेसिकली सिस्टम जो है इतना अच्छा हो जाए कि इंसानों को दिक्कतें जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है तो कहीं ना कहीं वो कम हो जाएं. बेसिकली सफाई को लेके मुझे 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 बहुत दिक्कत होती है, और जो लोग रोड पे जो हम बैगर्स देखते हैं तो उनको देख के बहुत दुख होता है. तो कहीं ना कहीं आई एम नॉट जस्ट सेइंग इट, आई फील इट फ्रॉम माय हार्ट एंड आई वुड लाइक टू do something for them. I would like to give them like achhi tarah ki unko jobs dun, unko kaam dun, taki unko aisa kuch na karna pade. To aur pure shehar ko chamka ke ekdam saaf sutra bana dun. Thank you. So the wait is finally over. Siddharth Arora will be back.